फिल्म की शुरुआत में हम जीको नाम की एक शिप को देखते हैं, जो अपने कैमरे से वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री बना रहा होता है। पर उसी दौरान उसका एनकाउंटर एक वुल्फ के साथ होता है, जिसका नाम ग्रे होता है। वो ग्रे को देखते ही उससे डर कर वहाँ से भाग जाता है, और तभी वो वुल्फ की पूरी झुंड को देखता है। और वो बहुत ज्यादा डरे होने के कारण भागते हुए अपने शिप्स के छोटे से विलेज में जाता है, और घबराते हुए सभी गांव वालों को बताता है कि जल्द ही वुल्फ की एक झुंड उनके गांव पर अटैक करने वाले है। पर वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते। पर जब वो उन्हें ग्रे नामी उस वुल्फ की तस्वीर दिखाता है, तब वो उसकी बात मान जाते हैं, और अपने लीडर के कहने पर वो वुल्फ के डर से उस विलेज के मेन गेट को बंद कर देते हैं। दूसरी ओर हम उन्हें वुल्फ पैक के ओल्ड लीडर मैगरा को देखते हैं, जो बहुत ही समझदार होता है, और उसका ये मानना था कि हर जिंदगी कीमती है, इसलिए वो सिर्फ जरूरत के अनुसार ही शिकार की अनुमति दिया करता था, जिसे ग्रे के साथ बाकी वुल्फ भी माना करते थे। लेकिन उन्हीं में मैगियर नाम का एक सेल्फिश वुल्फ भी था, जो मैगरा के इस रूल के खिलाफ था, लेकिन मजबूरी में उसे ये रूल फॉलो करना पड़ता था। वही मैगरा उन्हें कहता है कि मैं काफी सालों से तुम सभी का लीडर रह चुका हूँ, और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए अब समय आ चुका है कि कोई और इस ग्रुप का लीडर बने। पर सबसे पहले उसे बाकी के वुल्फ्स को हराकर अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। पर जब रेगियर लीडर बनने के लिए खड़ा होता है, तब बाकी सभी उससे कम्पीट करने से मना कर देते हैं। लेकिन तब ग्रे उसके अगेंस्ट में खड़ा होता है, जो कि एक नेक वुल्फ होता है, इसलिए मैगरा 3 दिन बाद उनके बीच कंपटीशन का ऐलान करता है। ग्रे उसी पैक में मौजूद एक फीमेल वुल्फ बियंका को बहुत पसंद करता था, और बियंका भी उसे पसंद करती थी, इसलिए वो भी चाहती थी कि ग्रे उस कंपटीशन को जीत जाए। साथ ही वो ये भी चाहती थी कि ग्रे उसे मैरिज के लिए प्रपोज करे, लेकिन ग्रे इस बात को समझने के लिए थोड़ा नादान होता है। वही सिप्स के विलेज से 2 लिटिल सिप्स साया और क्रैम बिना किसी को बताए चुपके से अपने विलेज से निकलकर घूमने आए थे, पर तभी रेगियर उन्हें देख लेता है, और मैगरा के रूल के अगेंस्ट जाकर उन पर अटैक करने के लिए उन्हें पकड़ने लगता है। पर तभी ग्रे वहाँ आ जाता है और उसे ऐसा नहीं करने को कहता है, पर वो उसकी बात नहीं मानता। तब आखिर में ग्रे साया और क्रेम को रेगियर से बचाकर भगा देता है। वहीं साया की एल्डर सिस्टर लायरा उसके नाम मिलने से काफी परेशान होती है। तभी साया और क्रेम आ जाते हैं, पर वो उन्हें सच्चाई नहीं बताते। दूसरी ओर रात को जब वुल्फ्स का सेलिब्रेशन चल रहा होता है, तब ग्रे वहाँ अपनी इमेच्योर हरकतों से रेगियर को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करता है, पर बियंका ग्रे के उन बचकाने हरकतों से बहुत निराश होती है, और वो ग्रे से गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि मैं अभी भी किसी मिरेकल का इंतजार कर रही हूँ, ताकि तुम चीजों को सीरियसली लेना शुरू करो और अपनी जिम्मेदारियों को समझ सको। और वो ये कहकर उसे वहाँ छोड़कर चली जाती है। वहीं रेगियर मैगरा को कन्विंस करने में लगा होता है कि ग्रे हमारा लीडर बनने के लिए उतना काबिल नहीं है, ताकि वो सीधा उसे लीडर घोषित कर दे। पर मैगरा भी रेगियर को जानता था कि वो कितना मतलबी और लालची है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि रेगियर उनका लीडर बने। दूसरी ओर ग्रे जब अकेला बैठा होता है, तभी उसे दूर से एक कैंप सेलिब्रेशन होता हुआ नजर आता है, और वो वहाँ चला जाता है। असल में वहाँ बहुत से खरगोश मिलकर एक मैजिक शो को देख रहे होते हैं, पर ग्रे को देखते ही सभी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तब ग्रे उसी मैजिक शो परफॉर्म करने वाली फीमेल हॉर्स के पास जाता है, जिसका नाम मैमी होता है। वो उसे कन्विंस करता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वही उसे पता चलता है कि मैमी वाकई में मैजिक कर सकती है। तब वो उसे कहता है कि उसे बियंका के लिए खुद को बदलना है, ताकि वो उसे दोबारा अपना सके, जिस पर मैमी उसे एक मैजिकल सीरम देती है, और ग्रे उसे ये समझकर पी लेता है कि इसके बाद बियंका उसे पसंद करने लगेगी। लेकिन आखिर में वहाँ उसमें कोई खास बदलाव नहीं आता, पर इसके बाद ग्रे खुशी से बियंका से मिलने जाने लगता है। पर रास्ते में उस सीरम का असर शुरू हो जाता है, और वो देखते ही देखते एक शिप में बदल जाता है, और चट्टान से गिरते हुए रेगियर के पास आ पहुंचता है। ग्रे खुद को शिप में बदला हुआ देखकर ये समझ जाता है कि ये सब उस सीरम के ही कारण हुआ है, पर रेगियर इस बात से अनजान था कि वो ग्रे है, और वो उसे एक शिप समझकर शिकार के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, और बाकी के वुल्फ्स भी उसे पकड़ने में लग जाते हैं। ग्रे के बोलने के बाद भी वो उसकी बात नहीं मानते, इसलिए उसे वहाँ से भागना पड़ता है, और आखिर में वो उनसे पीछा छुड़ाते हुए वहाँ से सीधा शिप्स के विलेज में पहुँच जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है, तो देखता है कि वो एक शिप के कमरे में है, जहाँ लायरा उसकी देखभाल कर रही होती है। पर ग्रे को ये देखकर यकीन नहीं होता, और वो चिल्लाने लगता है, जिसके बाद जीको वहाँ आ जाता है, और उसे शक होता है कि उसने ग्रे को कहीं देखा है। लेकिन उसके शिप बनने के बाद वो उसे ठीक से पहचान नहीं पाता, और ग्रे भी उन्हें अपनी असलियत नहीं बताता। ऊंचाई से गिरने के कारण ग्रे को कुछ भी याद नहीं होता कि वो शिप में कैसे बदल गया। वहीं उसे मोज नाम का एक शिप मिलता है, जो हर समय बहुत बातें किया करता था। उसकी बातें सुनकर ग्रे को याद आता है कि वो चट्टान से गिर गया था, और उसे लगता है कि शायद ऊंचाई से गिरने के कारण ही वो शिप में बदल गया होगा। इसलिए वो सोचता है कि शायद वापस से ऊंचाई से कूदने के बाद वो अपने वुल्फ फॉर्म में वापस आ जाएगा, इसलिए वो बहुत बार ऊंचाई से जंप करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता।
पर तब आखिर में ग्रे को याद आता है कि ये सब उस मैमी के दिए सीरम के कारण हुआ था, और वो इसके सलूशन के लिए मैमी के पास जाता है, पर वो वहाँ से जा चुकी थी। इसलिए ग्रे दुखी होकर लायरा के घर आ जाता है। वही बियंका ग्रे के ना मिलने से काफी दुखी होती है, और रेगियर उसे कहता है कि वो जरूर मुझसे मुकाबले के डर से भाग गया होगा, लेकिन बियंका उसकी बात नहीं मानती। अगले दिन लायरा का ब्रदर साया ग्रे को बाहर घूमने चलने को कहता है, जिन्हें मुझ भी ज्वाइन कर लेता है, और वो तीनों मिलकर एक टूर्नामेंट देखने जाते हैं, जहां वो ग्राउंड में किलिंग लुइस नाम के एक चैंपियन को देखते हैं। और जब ग्रे को पता चलता है कि किलिंग लुइस बहुत शक्तिशाली है, तब वो अनजाने में उसे देखकर हंसने लगता है। तब उसे सबके सामने किलिंग लुइस से फाइट करने के लिए उतरना पड़ता है, पर ग्रे अब सिप होने के कारण उसे हार जाता है। लायरा साया को टूर्नामेंट देखने जाने के कारण उसे डांट लगाती है, और जिस दौरान वो साया को अपने साथ लेकर घर जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में रेगियर के चमचे मिल जाते हैं, और वो चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर ग्रे वहाँ आ जाता है, पर जब वो अपने वुल्फ पैक के ही दो मेंबर स्किनी और हॉबलर को देखता है, तब वो भागते हुए उनसे मिलने जाता है, लेकिन वो उसे खतरनाक सिप समझकर उससे दूर भाग जाते हैं। उसी दौरान ग्रे को मैमी मिल जाती है, और वो वापस से वुल्फ बनने के लिए उसके पास मौजूद सारे सीरम को एक साथ पी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कोई असर नहीं होता। सिप्स के विलेज में जाने पर वो देखता है कि उन्होंने उसके हॉनर में सेलिब्रेशन रखा होता है। वही ग्रे बच्चों के साथ खेलते हुए साया को फाइटिंग मूव सिखाता है, और कहता है कि इस मूव से वो वुल्फ को भी हरा सकता है, पर साया उससे रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। लायरा ग्रे को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही ग्रे उसके पास से चला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ बियंका को चाहता था। वही मौज लायरा को पसंद करता था, लेकिन हर बार वो उसके सामने आते ही अपनी लाइंस भूल जाता था। दूसरी ओर साया ग्रे की बातों से इन्फ्लुएंस्ड होकर गांव के बाहर वुल्फ से फाइट करने चला आता है, पर वहां वो मैगरा और रेगियर को देख लेता है, जहां रेगियर गुस्से में मैगरा को उसे पैक का लीडर बनाने को कह रहा होता है। पर मैगरा उससे कहता है कि अगर ग्रे डर कर भाग गया है, तो जरूरत पड़ने पर मैं ही तुमसे कम्पीट करूंगा, क्योंकि मैं कभी भी एक ऐसे वुल्फ को पैक का लीडर नहीं बनने दे सकता जो हमारे एंसेस्टर्स के रूल को ना मानता हो। ये सुनकर रेगियर जानबूझकर मैगरा को ऊंची चट्टान से गिराकर मार डालता है, पर सिया और क्रेम ये देख लेते हैं, और साया उसके हाथों पकड़ा जाता है। रेगियर सभी से झूठ कह देता है कि उस भागे हुए ग्रे की तलाश में हमारे महान लीडर मैगरा चट्टान से गिरकर मारे गए, पर बियंका को उसकी बात पर यकीन नहीं था। तब रेगियर ये अनाउंस करता है कि अब से वही उनका लीडर है, और पिछले सभी रूल्स को हटा देता है। वही क्रेम जाकर सभी को साया के वुल्फ द्वारा पकड़े जाने के बारे में बता देता है, और जब ग्रे को इस बारे में पता चलता है, तब वो उनसे साया के रेस्क्यू के लिए चलने को कहता है, पर उनका लीडर बहुत ही ज्यादा डरपोक होता है, और बाकी सभी भी हार मान चुके होते हैं। तब ग्रे अकेले ही साया को वहाँ से छुड़ा कर लाने का तय करता है, और मोज भी लायरा को इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ चला जाता है, और वो चुपके से वुल्फ के इलाके में घुस जाते हैं, पर मोज वही चोट लगने से बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ग्रे साया की जगह स्किनी को ढकेल कर उसे वहाँ से रेस्क्यू कर लाता है, पर यहाँ स्किनी को ये एहसास हो जाता है कि वो ग्रे ही है। मोज को बेहोश होने के कारण कुछ याद नहीं होता, तब ग्रे उसे ये कह देता है कि उसने ही साया को उनसे लड़कर छुड़ाया है, और मोज भी खुद पर बहुत प्राउड करने लगता है, और वो बाकी सभी की नज़र में भी मोज को उनका हीरो बना देता है, और लायरा खुशी से उसे सबके सामने किस कर देती है। पर ग्रे अभी भी बियंका को मिस कर रहा होता है। तभी उसे वो जगह नजर आती है जहां वो बियंका से मिला करता था, और वो आखिर में उसके सामने जाकर उसे सारी बातें बता देता है, और बियंका भी ग्रे को मैगरा के डेथ के बाद रेगियर के उनका लीडर बनने के बारे में बता देती है, और उसके बुरी तरह से शासन करने के बारे में भी बता देती है। पर जिस दौरान वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी जी को जासूसी करते हुए उन दोनों की साथ में फोटो क्लिक कर लेता है, और गाँव पहुँच कर सभी से उस फोटो को दिखाते हुए कहता है कि ग्रे एक जासूस है, और वो अपने फायदे के लिए वुल्फ्स को हमारी सारी जानकारी देता है। ग्रे उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तब ग्रे गुस्से में उन सभी को बहुत बुरा भला बोलकर वहाँ से चला जाता है। वह स्किनी रेगियर को बता देता है कि एक सिप उनके हाथ से साया को छुड़ा ले गया, और साथ ही उसे ये भी बता देता है कि शायद वो ग्रे ही था जो अब सिप में बदल चुका है। ये सुनकर रेगियर को ग्रे से अपना बदला लेने का सही समय लगता है, और वो अपने पैक के मेंबर्स को उन सिप्स के खिलाफ भड़काता है, और कहता है कि सिप्स को अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी, और सभी को उन पर एक साथ अटैक करने की घोषणा करता है। वहीं अधिक सीरम पीने के कारण ग्रे बेहोश हो जाता है, पर मैमी उसे देख लेती है और उसे अपने घर ले आती है, जहां वो ग्रे को बताती है कि अगर वो वापस वुल्फ बनना चाहता है, तो उसे साल में सिर्फ एक ही बार बनने वाले मैजिक ड्यू को पाइन ट्री के यहाँ से लाना होगा, नहीं तो उसके बाद वो कभी भी वुल्फ नहीं बन पाएगा। मैमी से ही ग्रे को ये भी पता चलता है कि वुल्फ्स की पैक कल ही सिप्स पर हमला करने वाले हैं।
ये पता चलते ही ग्रे मैजिक ट्रियो को भूलकर सभी सिप्स को वुल्फ के अटैक से बचाने चला जाता है और सभी को बताता है कि वो सभी मुसीबत में पड़ने वाले हैं और उन्हें वुल्फ के वहाँ अटैक करने के बारे में बता देता है। पहले तो जीको उसकी कई सारी बातों का विरोध करता है, पर ग्रे के बहुत कहने के बाद वो उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और डर कर उस जगह को छोड़कर जाने वाले होते हैं। पर तब ग्रे उन्हें वुल्फ का सामना करने के लिए मोटिवेट करता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि अगर वो एक साथ मिलकर काम करें तो उन वुल्फ का सामना कर सकते हैं। और आखिर में वो सभी उसकी बातों से सहमत होते हैं और सभी मिलकर वुल्फ के अगेंस्ट अपने हमले की तैयारी करने लगते हैं। पर वुल्फ की झुंड उसी रात उनके विलेज पर अटैक करने निकल जाती है और बियांका ढूंढते हुए मैमी के पास पहुंचती है और उससे ग्रे को वापस से वुल्फ में बदलने का तरीका पूछती है। इधर रेगियर जब अपने ग्रुप के साथ सिप्स के विलेज पर अटैक करने पहुंचता है तब उन्होंने पहले से ही उनसे बचने की प्लानिंग कर रखी होती है, इसलिए वो उन पर बहुत भारी पड़ते हैं। पर फिर भी वुल्फ उनके विलेज में घुस आते हैं, इसलिए सभी सिप्स उनसे बचने के लिए केव से होकर वहाँ से भागने लगते हैं और केव से निकलते ही वो सभी वुल्फ को उसी केव में बंद कर देते हैं। पर धीरे धीरे उस केव में पानी भर रहा होता है और सभी वुल्फ उसमें डूबने लगते हैं। पर ग्रे उन्हें मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो बाकी के सिप्स को भी उन्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए कन्विंस करता है और सभी उसकी बात से सहमत होकर उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। पर उसके बावजूद भी रेगियर वहाँ से निकलते ही उन्हें धोखा दे देता है और साया को पकड़ लेता है और अपने ग्रुप्स को सारे सिप्स को खत्म करने को कहता है। लेकिन वहाँ साया सभी को बता देती है कि रेगियर ने ही मैग्रा को चट्टान से धकेल दिया था। उसके बाद रेगियर और ग्रे के बीच वुल्फ के पैक का लीडर बनने के लिए फाइट होने लगती है। तभी वहाँ बियांका आ जाती है जो अपने साथ ग्रे को वुल्फ बनाने वाले मैजिक ड्यू को अपने साथ लाई होती है और उसे पीने के थोड़ी देर बाद ही ग्रे फाइनली अपने वुल्फ फॉर्म में आ जाता है और रेगियर उसे खत्म करने में वहाँ से नीचे गिर जाता है और सभी अपनी जीत की खुशी मनाने लगते हैं। और आखिर में ग्रे बियांका को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है और इस तरह से वो एक दूसरे से मैरिज कर लेते हैं, जिसमें सभी सिप्स और वुल्फ खुशी से शामिल होते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यही एंड हो जाती है।